जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि ऑब्जेक्शन कैसे करना है किसी भी क्वेश्चन पे। जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन आपको गलत लग रहा हो कि आंसर की में ये क्वेश्चन गलत आया है, तो उसको जो ऑब्जेक्शन लिंक है वो ओपन हो चुकी है, वो आज तक है, आज के बाद शायद कल बंद हो जाए, तो आज आपको करना पड़ेगा। तो कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर एक बार बता दीजिए, भाई एक बार प्लीज़ बता दीजिए कैसे हमें ऑब्जेक्शन करना है। तो मैं उनके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो आप बने रहिएगा वीडियो को आज तक, आपको देखना है, फुल देखना है कैसे आपको ऑब्जेक्शन करना है। बोथ पोस्ट के लिए अगर रेडियो ऑपरेटर में आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है या रेडियो मैकेनिक में कोई क्वेश्चन गलत लगता है, तो सारा का सारा मैं आपको फुल विद प्रूफ बताने वाला हूं कैसे आपको ऑब्जेक्शन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ऑफिशियल साइट पर आ जाना है, VSF के ऑफिशियल साइट पर आ जाना है। वहाँ पर ये पेज आपको खोलने को मिलेगा जहाँ से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, वो पेज आप खोल लेना। उस पर आपको अपना रोल नंबर फिलअप करना है, तो यहाँ पर मैं रोल नंबर फिलअप कर देता हूँ। जैसे एक भाई का है, मैंने खुद मांगा उनसे, तो मैं इसे फ़िलअप कर देता हूँ। हाँ, इसे फ़िलअप करने के बाद रुक जाओ 1 मिनट, फ़िलअप कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा आपको फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद उनको फिल कर लेता हूँ, उसका बताता हूँ, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि मैं आपको फुल पूरे बता दूँगा डिटेल में कैसे आपको फ़िलअप करनी है। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा ना बस खुलने वाला है, तो ओपन हो गया, आपको क्या आ जाएगा, वही विंडो ओपन होकर आ जाएगी जहाँ पे मतलब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। जहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में आपकी डिटेल्स पड़ी होंगी, वहाँ पे नीचे मैं नहीं जाऊँगा, वो भाई कॉन्फिडेंशियल है। उसका कैंडिडेट रिस्पॉन्स पे आएंगे, तो यहाँ पे आपको दोनों देख सकते हो, टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर फॉर असेसमेंट BSF कम्युनिकेशन 29 अगस्त 2023, यानी रेडियो ऑपरेटर की पहली आंसर की है, दूसरी रेडियो मैकेनिक की है। हम ऑब्जेक्शन टाइप 1 पे आते हैं, तो ऑब्जेक्शन टाइप 1 पे ये खुलेगा किस चीज़ के लिए, तो ये आपका ओपन होगा उसके लिए, BSF रेडियो ऑपरेटर के लिए। और अगर हम ऑल पे क्लिक कर देते हैं, तो ऑल पे ऑब्जेक्शन देखो टैब दूसरा दिखाई पड़ रहा है ना, तो ऑब्जेक्शन टैब दूसरा के किसके लिए है, तो रेडियो मैकेनिक के लिए है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लग रहा हो किस पेपर में, आपका रेडियो ऑपरेटर में अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लग रहा हो, तो आपको ऑब्जेक्शन टैब 1 पर क्लिक कर देना है। उसके बाद मैं जैसा जैसा प्रोसेस बताते चल रहा हूँ, धीरे धीरे उसको ध्यान से देखते चलिएगा, और आप आज तक अपना क्वेश्चन पेपर बना के रखिए, क्योंकि देखो इसमें अभी मांगेगा कुछ। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, उस पर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकन दिखाई पड़ रहा होगा, इसको आपको यहाँ पर क्लिक करना है। कहीं ये वाला कुछ नहीं, इस पर आपको कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्शन टैब पे आगे आपको ऑब्जेक्शन टैब फर्स्ट पे क्लिक करना, तब है जब आपको रेडियो ऑपरेटर में कोई क्वेश्चन आपको गलत मिला हो। तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे प्लस आइकन पे हमने क्लिक कर दिया, अब ये खुल गया, एक आपका इंटरफेस आएगा कुछ इस तरीके से, तो थोड़ी देर इंतजार करना है, 100% होने के बाद आपका खुल के अभी मिल जाएगा आपको, 1 मिनट बस। ये देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आ रहा है, इसे केयरफुली पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है भाई उसको मतलब, क्योंकि इसमें कुछ पैसे भी लगते हैं, जो आप ऑब्जेक्शन रेज करने वाले हो तो उसमें कुछ पैसे भी लगने वाले हैं, एक क्वेश्चन का शायद 100 रुपीज़ पड़ने वाले हैं। तो एक दो क्वेश्चन अगर आपके गलत रहेंगे तो वो उनके थ्रू ऐसे ही करा जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको, रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो केयरफुली बिफोर फिलिंग द फॉर्म, और फॉर्म को फिलअप करने से पहले आपको केयरफुली सब कुछ पढ़ लेना है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में पढ़ता जाता हूँ, अपनी आपत्तियों को कहने से पहले कृपया निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यानी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। उसके बाद पहले सब पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे अपने प्रश्न पत्र को देखने के लिए प्रश्न पत्र टैब पर जाएं, और यहाँ अपने आपत्तियों को बताने के लिए आपत्तियाँ टैब के प्लस बटन पर क्लिक करें, ये तो वही हुआ जो अभी मैंने किया है। अपनी आपत्तियों को बताने से पहले प्रश्नों और उत्तरों को ध्यान से पढ़ लें, यानी अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन आपका कोई गलत है, तो उसको ध्यान से पहले आप कहीं से भी निकाल के किसी से भी पूछ लीजिए। अगर वो गलत बता रहे हैं, कोई बड़े बड़े टीचर हो गए उनसे पूछ लीजिए, अगर गलत बता रहे हैं तब आपके यहाँ पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आपत्ति केवल अंग्रेजी भाषा में ही दर्ज की जानी चाहिए, अस्पष्ट आपत्ति का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर लिख दिया गया है कि जो आपका ऑब्जेक्शन होनी चाहिए वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही वहाँ पर मानी जाएगी, और किसी भी लैंग्वेज में आप करोगे तो वो माने नहीं की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे केवल प्रश्नों और उनसे संबंधित विकल्पों के लिए ही आपत्तियों को प्रस्तुत किया जा सकता है, एक बार सबमिट कर दी गई आपत्तियों को बाद में बदला नहीं जा सकता है। ध्यान से आपको क्वेश्चन करना है, कैसे आप उस क्वेश्चन को चूज कर सकते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, या पढ़ने के बाद यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि उत्तर अंतिम उत्तर कुंजी पर आधारित है, आपत्ति प्रबंधन के बाद अंतिम उत्तर कुंजी में उत्तर बदल सकता है, मूल्यांकन अंतिम उत्तर कुंजी पर किया जाएगा। नोट लिखा हुआ है, क्वेरी अगर कोई है तो हेल्प डेस्क करें, सामान्यतः 12 से 24 घंटे में जवाब की उम्मीद करें। अभी 12 घंटे बाद आप, ये तो अलग बात है भाई, इसको पढ़ने के बाद अब आते हैं हम क्वेश्चन को क्वेश्चन में अपलोड करना है। क्लोज कर दिया हमने, यहाँ पे आपको सारा का सारा इंटरफेस खुल के आएगा, जो आपने जो आपका क्या होगा
जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया होगा वो ओपन होके आ जाएगा, जिनने जिन्होंने दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया था उनका दोनों निकल के आएगा पोस्ट, और सब वगैरह यहाँ पे दिखा दीजिएगा। सिर्फ फर्स्ट में पेपर था वो सेकंड में था वो सब बता दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन आईडी सिलेक्ट कर लेनी है। क्वेश्चन आईडी देख सकते हैं यहाँ पे देश भर की यहाँ पे लिखी हुई है, यानी क्वेश्चन आईडी है नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन। नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन बता देना आपको यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है। तो गलत अस्पष्ट प्रश्न आपका लग रहा है, गलत था कि, और उसके बाद पाठ्यक्रम से बाहर का प्रश्न है, ऑल यानी सभी विकल्प गलत हैं, एक से अधिक सही उत्तर हैं, और गलत उत्तर कुंजी है, अनुवाद त्रुटि है। किसमें आप करना चाहोगे ये आपको बता देना है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे डू यू वांट टू ऐड रिमार्क्स, तो रेड ये तो पता नहीं क्या है, लेकिन अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे आपको क्या क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आपने वो क्वेश्चन किसी से लगवाया है, कहने का मतलब आपको लग रहा है, जैसे ये क्वेश्चन आया मान लो अपने तरफ से मैं दे रहा हूँ कि आगरा का ताजमहल कहाँ है, तो अगर पेपर आपका आ गया, पेपर में ये क्वेश्चन आया था आगरा का, नहीं वो आगरा ताजमहल नहीं, आगरा का ताजमहल जो है किसने बनवाया था, तो उसमें चार ऑप्शंस दिए जाते हैं, और पेपर में चार ऑप्शंस दिए जाएंगे, अकबर, शाहजहाँ की जहांगीर, और जो आपके सलीम उलीम आ गए, इनका अगर चार नाम दे दिया गया तो उसमें से किसने बनवाया था। अब मान लो अकबर ने बनवाया था, उनका नाम ही ना हो उसमें, अकबर ने बनवाया था उनका नाम ही नहीं है उसमें, तो ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा। अब इस क्वेश्चन का अगर ऑब्जेक्शन आपको रेज करना है यहाँ पे, तो आपको मतलब स्पष्ट रूप से पेज पे लिख लेना है कि आगरा का ताजमहल जो है वो अकबर ने बनवाया था, इतने सन में इतने निर्माण में उन्होंने बनवाया था और उनके द्वारा ही बनवाया गया है। तो वहाँ पे जब ये आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे किसी भी क्वेश्चन के लिए, मैथ का कोई भी क्वेश्चन आ गया कि 2+2=4, लेकिन आयोग ने वहाँ पे 5 मान रखा है, तो आप लगा के भेज दो उन्हें कि 2+2 ऐसे जोड़ने के बाद 4 हो जाता है, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ये मांग रखा उन्होंने, तो आपको क्वेश्चन लगवा लेना है कहीं से, लगा लेना है या कहीं से गूगल से भी, कहीं से भी आप देख सकते हो, उसे टाइप करना, वो आपका आंसर वहाँ पर निकल गया जाएगा, तो आप इजीली ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या कर देना है, फाइनली सिलेक्ट करने के बाद दोनों और क्वेश्चन आईडी उसमें आपको मिल जाएगी, हर क्वेश्चन के सामने उसकी आईडी दी रहती है, जहाँ पे आप देखते होगे कि आपने चूजन ऑप्शन इतना है, क्वेश्चन आईडी उसके ऊपर नीचे लिखी रहती है, तो क्वेश्चन आईडी आपको वहाँ पे लिख देना है। कुछ इस तरीके से आपकी क्वेश्चन आईडी यहाँ पे देखने को मिलेगी, आप देख सकते हो ये रही, कुछ इस तरीके से आपको आईडी अपनी देखने को मिलेगी, अब ये टैब आ गया है, तो इस तरीके की आपकी आईडी देखने को मिलेगी, उसी को आपको वहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद कोई कुछ आया यहाँ पे आपका हो गया वो, अब उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दे। तो भाई आगे वो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास तो कोई क्वेश्चन है नहीं अभी, मैं तो बस वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो यहाँ तक आने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करोगे, तो अगर यहाँ पे कुछ पैसे लेने का काम होगा तो सीधा आपको रीडायरेक्ट करेंगे, फ़ोनपे वगैरह के थ्रू आपको कटाना पड़ेगा, 100 रुपये एक क्वेश्चन का पड़ता है। जैसे SSC कोई भी एग्ज़ाम करवाती है तो वहाँ पर अगर ऑब्जेक्शन रेज होता है तो वो हर एक क्वेश्चन का 100 रुपये लेती है। अब इनका हमें नहीं पता, सबमिट करने के बाद वो जो भी होगा आप ईजिली कर सक पाओगे, यानी आसानी से हो जाएगा, उसमें कोई भी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बस डायरेक्ट आपका रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा फ़ोनपे के थ्रू या किसी के थ्रू, आप पैसे कटा देना वहाँ पे, आपका कार्ड होगा किसी के थ्रू पैसे कट जाएंगे। आज वीडियो बना दी है, आप इसे देख लीजिए और अपना ऑब्जेक्शन वहाँ पे रेज कर सकते हैं। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, और सेम हाँ यही चीज़ें अगर रेडियो मैकेनिक में आपको गलत लग रही हैं तो सेम यही प्रोसेस आपको उसमें भी करना है, उसमें किसी भी तरीके का अदर प्रोसेस नहीं है, सेम इसी तरीके का प्रोसेस उसमें भी आपको करना है। तो ध्यान से करना है, पहले क्वेश्चन आप देख लेना, कहीं से भी ढूंढ लेना कि हाँ वो परफेक्ट, मतलब आप श्योर हो कि वो क्वेश्चन गलत है, तब आप ऑब्जेक्शन रेज करना, नहीं वहाँ पर लिखा है कि आपके 100 रुपये भी चले जाएंगे, क्वेश्चन पे कोई भी वहाँ पे वर्क नहीं किया जाएगा। अगर उनके द्वारा लगा गया कि क्वेश्चन नहीं है, सही नहीं है, या मतलब बच्चे ने ऐसा दे दिया है, तो वहाँ पे उसको खारिज कर दिया जाएगा, वो मान्य नहीं किया जाएगा। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन। बेसिकली मैंने उन लोगों को, उन बच्चों के लिए बनाया है, उन भाइयों के लिए बनाया है जो कमेंट में मुझसे कहा था, तो अगर उन्होंने वीडियो देखी तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइए कि आपकी जो प्रॉब्लम हुई वो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हुई कि नहीं हुई। सो जय हिंद एंड जय भारत।